और उसके बाद दूसरी साइड में भी हमारे पास जो है वो पैर अवेलेबल होते हैं। सेंटर पीस की जो है हमारे पास वो नॉब होती है जिसके थ्रू हम जो है दोनों तरफ से बैलेंस चेक करते हैं। तो ये इस तरह के दो हमारे पास जो है वो दोनों साइड पे पैर होते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि एक पैर के अंदर हम वो अननोन मैस जो है अननोन मैस जिसका हमने मैस फाइंड करना है उसको रखेंगे चीज को को तो पाकिस्तान में आजकल ये यूज हो रहे हैं लेकिन बहुत कम जो है वो यूज किए जा रहे हैं इस तरह के बीम बैलेंस। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको भी मॉडिफाई करके जो है वो फिजिकल बैलेंस पे चेंज किया गया और फिजिकल बैलेंस जो है वो लेबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाने लगा। लेबोरेटरीज में यूज किया जाने लगा हर किसी ने अपना अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि लेबोरेटरी के अंदर जो है हाई एक्यूरेट जो है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो ये जो है इसकी मैं पिक्चर इधर ड्रा कर देता हूँ थोड़ी सी। ये इवेंट जो है हमारे पास इस तरह बना हुआ है। ये यहाँ पे जो है हमारे पास वो स्ट्रिप्स लगी हुई है स्ट्रिप्स और यहाँ पे भी स्ट्रिप और इसी तरह का जो है हमारे पास एक पैन जो है वो बना दिया गया और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक बीम है बीम ये भी और इसके साइड पे जो है वो पिलर बना दिए हैं ताकि इसको सपोर्ट रहे और सेंटर में जो है हमारे पास एक स्केल बनाया गया है जिसकी रीडिंग जीरो और यहाँ पे 10 तक दी हुई है उसने और यहाँ पे 10 तक दी हुई है। नीचे हमारे पास जो है दोनों पैंस के साथ हमारे पास ये हमारे पास जो है वो एडजस्टेबल है स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट नॉब और ये हमारे पास लेवलिंग स्ट्रिप स्क्रू ये हमारे पास है स्ट्रिप्स ये स्ट्रिप्स अवेलेबल है हमारे पास और सेंटर में हमारे पास ये जो है वो बीम है। क्लियर है जी। ये हमारे पास जो है वो पैन अवेलेबल है पैन ये हमारे पास स्केल और ये हमारे पास क्वाइटर है इसे हम क्वाइटर कहेंगे बीम के अंदर से जो निकला हुआ है। ठीक है इसको हम लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं मटेरियल्स की मेजरमेंट्स के लिए छोटे छोटे मटेरियल्स की मेजरमेंट्स के लिए हम इसको जो है वो यूज करते हैं। सेम इसी तरह प्रोसीजर हमारे पास जो है वो बीम है उसका भी जानी मीडिया उसकी जो है मॉडिफाइड जो है वो फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है। अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए क्या देखा जाता है कि ये जो सब बीम है हमारे पास बीम जो सब अवेलेबल है वो जो है वो जीरो पे ही होना चाहिए। इधर अगर हम अननोन मैस जो है वो प्लेस कर रहे हैं तो
जैसे हम की के अलावा इधर हम जो है उसको बैलेंस करने के लिए उसी तरह का कोई दूसरा मैच जो है उसकी इक्विवेलेंट से ये आ रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों मैच आपस में बराबर है कि नहीं, तो इनको सबसे पहले जो है हमें जो है वो ये जीरो के ऊपर जो है वो देखना पड़ेगा। अगर ये जीरो के ऊपर तो चेक रखने के बाद भी ये जीरो के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है कि ये नौ जो है हमारे पास तीन की ये जो सर जीरो पे आ रही है पॉइंटर जो सर जीरो पे शो हो रहा है स्क्रीन पे, दोनों जो है वो बैलेंस है। तो हमने जो जिस चीज को कंपेयर किया है वो हमारे लिए एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे। इसी तरह जो होता है ना हम जब को जो होता है उसमें एक दूसरे के साथ कंपेयर कर उसे चेक कर सकते हैं कि दोनों का वजन जो है वो बराबर है, मैच बराबर है कि नहीं। इसी के अंदर नेक्स्ट जो होता है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस तो लीवर बैलेंस जो होता है वो हमारे पास तकरीबन इस तरह का बना होगा। ये इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास और यहाँ पे इसके अंदर जो है वो स्केल जो है वो ड्रा है, ये जीरो पॉइंट हमारे पास। तो लीवर बैलेंस जो है हमारे पास है लीवर सिस्टम के साथ चलता है, सिस्टम ऑफ लीवर लीवर जो है हमारे पास अवेलेबल है और उनके साथ जो है वो हमारे पास ये जो है वो पैनल्स जो है वो लगे हुए हैं। तो लीवर के साथ जो है पैन लगे हुए हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसका हमने मैस कैलकुलेट करना है, जिसका हमने सपोज करें कि अगर हम इसको जो है ना के बाजार से जो है शुगर लेने जा रहे हैं, शुगर मीन शुगर लिया हमने तो इसकी पेमाइश करनी है, दुकानदार ने जो इसकी पेमाइश करनी है हमने उसे 5 kg का है शुगर लेने के लिए, तो एक पैन में उसने जो है वो शुगर रखनी है और दूसरे पैन में जो है वो 5 kg का जो है वो वेट जो है वो रखना है और दोनों को जो है वो चेक करना है आपस में बराबर आ रहे हैं कि नहीं। ये इसकी नॉब है जो कि जीरो के ऊपर अवेलेबल होगी, अगर जीरो के ऊपर आ गया तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है वो बैलेंस कर दिया कि 5 kg जो है वो शुगर जो है हमारे पास आ गया कि शुगर की जो है मकदार शुगर का जो सब मैस है वो भी 5 kg ही हमारे पास से आ गया, तो इट्स मीन कि ये नॉब के ऊपर जीरो के ऊपर आ गया तो इससे जो है वो आपस में बैलेंस कर दिया। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो भी हमारे पास एक मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आमतौर पर जो है हमें रीडिंग वो मिलीग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर और केजी के अंदर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अमूमन जो है आपने देखा होगा कि गोल्ड शॉप पर चले जाए अगर हम तो वहाँ पे वो गोल्ड की मेजरमेंट करने के लिए जो और सिल्वर की मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो डिजिटल फॉर्म में जो है वो यूज करते हैं ताकि उसकी जो है लीस्ट कम से कम रीडिंग जो है हमारे पास वो आ जाए। ये तकरीबन जो है वो इस तरह का जो है वो बना होता है। अगर मैं थोड़ा सा ड्रा करना चाहूँ ये तकरीबन इस तरह का बना होता है। यहाँ पे जो है वो मीटर हमारे पास अवेलेबल है, ये जो है हमारे पास वो है पैन, ये पैन है हमारे पास और ये जो है डिजिटल मीटर जो है जहाँ पे रीडिंग जो है वो आएगी इसकी जो है जब हम इधर जो है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है हमने, सबसे पहले जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो ऑन करना है, डिजिटल है तो ऑन करना है इसको। तो इस स्क्रू से ये हमारे पास लगा हुआ है, इस स्क्रू को यूज करके जो है हमने इसकी रीडिंग को जीरो तक ले भी जाना है, जीरो तक ले भी जाएंगे, जीरो तक ले भी जाएंगे तो वो जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जीरो पे जब मीटर आ जाएगा तो उसके बाद जो है हम पैन के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे जिसका हमने मैच जो है वो मेजर करना है। तो जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे होंगे तो इस डिजिटल मीटर के ऊपर जो है हमें रीडिंग आ जाएगी वो कि उसका मैच जो है जो है आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है उसका मैच जो है वो कितना है। ठीक है। उसके बाद मोस्ट एक्यूरेट जो है हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है सबसे पहले हमारे पास है बीम बैलेंस, बीम बैलेंस आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है फिजिकल बैलेंस और उसके बाद जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।
सपोज करते हैं एक कॉइन जो होता है इनको तीनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो एक कॉइन है हमारे पास, एक कॉइन जो होता है उसको हम मैस मेजर करना चाह रहे हैं, इन तीनों मैस के थ्रू जो होता है वो हम इसका मैस है कॉइन का जो था मैस है हमने मेजर करना है, कॉइन मैस वो जो होता है हमने मेजर करना है। तो जब कभी मैं बात करूंगा तो बी मैस की तो मैस कॉइन का मैस जो होता होगा मैस ऑफ कॉइन जो होता होगा वो ये मेजर करेगा 3.2 ग्राम जो होता है उसका मैस जो होता है वो मेजर करेगा, क्योंकि बीम बैलेंस जो होता है हमारे पास वो लीस्ट से लीस्ट जो सी रीडिंग है हमारे पास जो दे रहा है वो है नहीं हमारे पास 0.1 ग्राम या फिर मिलीग्राम में अगर बात करेंगे तो 100 मिलीग्राम जो है वो रीडिंग कम से कम दे रहा है। तो इसके मुताबिक बीम बैलेंस के मुताबिक इसका मैस का कॉइल ऑफ मैस जो होगा मैस ऑफ कॉइल होगा वो 3.2 ग्राम होगा किसके मुताबिक बीम बैलेंस के मुताबिक, क्योंकि इसकी कम से कम रीडिंग जो है वो 0.1 ग्राम आ रही है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास वन डीबीटी ये जो है हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। तो अगर हम फिजिकल बैलेंस की बात करें तो फिजिकल बैलेंस जो है वो हमें गिव कर रहा है मैस ऑफ कॉइन जो है 3.24 ग्राम, क्योंकि फिजिकल बैलेंस जो है वो बीम बैलेंस की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो लिहाजा में फिजिकल बैलेंस जो है इससे ज्यादा एक्यूरेट जो है परसेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ईस्ट रीडिंग जो है वो हमें प्रोवाइड हो रही है ईस्ट रीडिंग 0.01 ग्राम या फिर मिलीग्राम में बात करेंगे तो 10 मिलीग्राम जो है मतलब वो फिजिकल बैलेंस कम से कम रीडिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करेंगे जो कि हमें फिजिकल बैलेंस की भी मॉडिफाइड जो है फॉर्म है, तो उसके अंदर जो है मैस ऑफ कॉइन जो है हमारे पास अवेलेबल होगा रीडिंग जो है वो देगा 3.247 ग्राम, पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो हमें प्लेस करके देगा, क्योंकि इसकी जो है कम से कम लीस्ट रीडिंग जो है वो हमारे पास 0.001 ग्राम है, यानी कि अगर हम कह सकें तो 1 मिलीग्राम जो है हमारे पास वो कम से कम रीडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए ये जो है मोस्ट एक्यूरेट जो है वो कंसिडर किया जाता है इन सब से। ठीक है, ये आपके पास जो है वो मैंने एक कंपेरिजन करके आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे जो है ना हमें रीडिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे और की ईस्ट रीडिंग जो है हमारे पास वो क्या आती है।